हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्विस राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए। और आज जो मैंने प्लांट सिलेक्ट किया है बॉल्वियन जेव या फिर टर्टल वाइन बोल सकते हैं आप इसे, इजिली चेन वाइन भी बोल सकते हैं आप इसे, चेन प्लांट बोल सकते हैं, इंच प्लांट बोल सकते हैं। मेनली ये हैंगिंग बास्केट के रूप में यूज किया जाता है। आप इसका हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये पूरा का पूरा इसे कवर कर लेगा भी। तो मेरा प्लांट अभी जल्दी मैंने इसे लगाया हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ के ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ हो रही है इसकी, तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ के ये पूरा पूरा मेरा ये पॉट कवर कर लेगा। मैं इसको एज अ हैंगिंग बास्केट बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरा चूँकि ड्रिल मशीन मेरी ख़राब हो गई, तो मैं जैसे मेरी ड्रिल मशीन बन के आती है तो मैं इसमें यहाँ पर और यहाँ पर तीन छेद करने वाला हूँ। तीन छेद करके मैं इसको एलुमिनियम के वायर से बना टांग के इसको एज अ हैंगिंग बास्केट में बनाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपने मेरा अगर पोर्चुलाका वाले वीडियो देखा हो तो फिर मैंने अपने पोर्चुलाका को एज हैंगिंग बास्केट ग्रो किया हुआ है, तो वैसे ही मैं इसको बनाने वाला हूँ। जैसे मेरा ड्रिल मशीन में आता है मैं इसको बना दूंगा वैसे ही। बाकी अगर आप एज अ हैंगिंग बास्केट नहीं बनाते हैं तो इसको आप ऐसे पॉट में लगा सकते हैं, तो और हल्का सा ज़मीन से उठा के रखेंगे अगर आप इसको, तो धीरे धीरे ये नीचे फैल के वहाँ भी अच्छा लुक देता है। आप इसे चाहें तो एज अ मैट भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा तमाम पेड़ों के नीचे आप लोग देखते होंगे ग्रीन मॉस वहाँ पर बिछाई जाती है प्लांट का लुक बढ़ाने के लिए। किसी आपने तमाम देखा होगा, जैसे मेनली उसमें जो बोनसाई वगैरह होते हैं तो बोनसाई के नीचे ग्रीन मॉस बनाई जाती है, या फिर आपने तमाम जगहों पे देखा होगा पार्कों वगैरह में देखा ही होगा कि जो पत्ती उसकी ग्रीन ग्रास बिछाई जाती है के लिए उसकी मैट बिछाई जाती है हरे घास की, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे आप चाहें तो इसे ग्रो कर सकते हैं उस तरह भी, आप जहाँ भी आप चाहें किसी प्लांट के नीचे शेडेड एरिया में किसी प्लांट के नीचे आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसे प्रोपेगेट बड़ा इजीली प्रोपेगेशन बड़ा इजीली होता है इसका, आपको इसकी पत्तियाँ कट करनी होती हैं, बस आप कटर लें, कैंची लें, कटर लें, जो भी लें, आप इसकी चार पांच पत्तियों वाली कटिंग लें, कट कर लें उसे ऐसी जितनी कटिंग आप चाहें, और टेंशन मत लीजिए आपका प्लांट कटिंग करने से ख़राब नहीं होगा। ये आप जब भी आपको लगेगा आपका प्लांट अब शेप में नहीं रह गया है, थोड़ा सा ओवर शेप हो रहा है, तो आप इसको ऐसे कट करते जाइए, इससे आपका प्लांट शेप में भी आ जाएगा और आपको कटिंग मिल जाएगी नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो आप इनको कुछ नहीं करना है, आपको किसी पॉट में या फिर जहाँ भी आप चाहें, अगर आप चाहते हैं किसी प्लांट के नीचे, कोई आपके पास बड़ा प्लांट हो पॉट में ही हो तो उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं, ढेर सारी कटिंग लगा दें तो धीरे धीरे ये पूरे पूरे पॉट को कवर कर लेगा। तो एक तरह से मल्चिंग भी हो जाएगी उस प्लांट की, कि ये प्लांट अगर उसकी जो सॉइल होगी उस पर अगर ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद होगा। मैं भी करने वाला हूँ उसकी कटिंग में कट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्लांट थोड़ा शेप से ख़राब भी हो रहा है इसका, और इसको मैं कट करके जैसे ये प्लांट नीचे जाए, ये जो हल्का सा किसी एक तरफ प्लांट छोटा रह गया है एक तरफ, क्योंकि इसे मैं ऐसे ही रख दिया था जहाँ पर एक तरफ धूप पड़ रही थी, एक तरफ धूप नहीं पड़ी तो मेरा पूरा पूरा प्लांट एक तरफ मूव कर रहा है धूप के कारण। तो मैं इसको कटिंग करने वाला हूँ और मैं किसी बड़े प्लांट के नीचे इसको लगा दूँ, सारी कटिंग लगा दूंगा मैं, तो वहाँ पे नीचे एक बड़ा हरा हरा सा बन जाएगा जो गर्मियों में खासकर गर्मियों में बड़ा प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन होता है प्लांट में तो वो पत्तियों से कम होता है अगर सॉइल पर डायरेक्ट धूप पड़ती है। मल्चिंग आपने तमाम वीडियोज़ में मैंने बताया भी है कि आप चाहें तो मल्चिंग कर सकते हैं, तो मल्चिंग अगर आप चाहें तो इस प्लांट की भी मल्चिंग कर सकते हैं। एसिडिक कोई प्लांट हो आपका, जैसे गुलाब हो गया, एजेलिया हो गई, एजेलिया में फिलहाल तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसकी धान की भूसी की मल्चिंग करें। तो आप अगर कोई प्लांट हो, ये प्लांट चूँकि एसिडिक लवर प्लांट ये भी है, आप जब भी इसकी सॉइल तैयार करें तो चाहें तो इसमें, क्योंकि अभी ऊपर से कंपोस्ट डालना इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट भर लेता है पॉट को, तभी ऊपर से आप इसकी गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं और ऊपर से कुछ इसमें कंपोस्ट वगैरह डाल भी नहीं सकते हैं, लिक्विड कंपोस्ट डाल सकते हैं घास निकल ली इसमें। तो जब भी आप इसकी सॉइल तैयार करें तो सॉइल में आप चाहें तो थोड़ा सा टी वही यूज जो आप चाय पत्ती आपके यहाँ बनती है, चाय बनती है, तो उसकी जो चाय पत्ती बच जाती है उसे धुल करके सुखा करके आप इसमें चाहें तो सॉइल में यूज कर सकते हैं, तो वो इस धीरे धीरे डिकम्पोज होकर इसके प्लांट को एसिडिक सॉइल देता रहेगा। तो आप जैसा चाहें इसको प्लांट को, आप चाहें तो ग्रीन ग्रास की तरह यूज कर सकते हैं या फिर किसी प्लांट के नीचे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, या फिर आप एज अ हैंगिंग बास्केट जो कि सबसे अच्छा इसका मतलब कि जो मेन इसका यूज होता है हैंगिंग बास्केट के रूप में यूज होता है, आप इसे हैंगिंग बास्केट के रूप में यूज कर सकते हैं। वाटर की बात की जाए, अगर पानी की बात की जाए तो पानी इसको मतलब एवरेज पानी दे सकते हैं आप, बड़ा मतलब कि लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, कि आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है, अच्छा हैंगिंग बास्केट बन जाता है, हरा हरा सा बना रहता है, फूल इसमें आते हैं लेकिन वो एक स्टिक की तरह जैसे उसमें होते हैं स्पाइडर प्लांट में होते हैं, तो जो फूल आते हैं उसमें तो एक स्टिक में आते हैं, वो उतने खूबसूरत नहीं होते, मेन फूल के लिए इसको नहीं लगा सकते आप,
पत्तियाँ ऐसी कितनी खूबसूरत लगती हैं, हरी हरी एकदम हरा भरा बना रहता है आपका हैंगिंग बास्केट, उसके लिए आप लगा सकते हैं। पानी आप इसको रेगुलर दें, कम दें, स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर आप पानी को। लाइट एंड लोकेशन की बात की जाए तो इसे आप सेमी शेडेड एरिया में डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं, इसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इसे प्लांट के किसी प्लांट के नीचे लगाएं, या फिर आप थोड़ा जहाँ ऐसी जगह पर अगर इसको आप एज अ हैंगिंग बास्केट लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर लगाएं कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, सनरेज ना आती हो, वहाँ पे प्रॉपर एकदम उजाला हो, नेचुरल लाइट हो, वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। अगर बात करें इसके कंपोस्ट की तो मैंने नर्सरी वाले से भी बात की थी और इससे मैंने नेट पे भी सर्च किया था, तो ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप इस टाइम इस प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें आप ऊपरी लेयर को छोड़ करके, थोड़ी सी ऊपरी लेयर जो बनाते हैं आप सॉइल की, उसको छोड़ करके उसके नीचे वाली लेयर में अच्छे से कंपोस्ट मिक्स कर दें तो वही इसके लिए इनफ होता है। कि ऊपरी लेयर इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि ऊपरी लेयर कटिंग को जला देगी, और ऊपरी लेयर में अगर कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करें, ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे, और आप अलग से कंपोस्ट इसमें डाल भी नहीं सकते क्योंकि प्लांट पूरा का पूरा भरा होता है। बस एवरेज वाटर, एवरेज सनलाइट और कंपोस्ट की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक यूज करिएगा, और साइड साइड में अब देख लीजिए कैसे करना है आपको। हाँ, एक केयर आपको करनी है, अगर आपके घर में कुत्ते हैं तो कुछ केसेस में कुत्तों के लिए थोड़ा सा ये हानिकारक साबित हुआ है। आप थोड़ा अपने जब जानवर आपके पेट्स हैं उनकी पहुँच से दूर रखें, स्पेशली कुत्तों के लिए। तो बाकी और जानवरों को फिलहाल नहीं सुनने मिला है कि और किसी जानवरों को ये नुकसान दिया हो। कुत्तों के केस में कुछ कुत्तों को ये नुकसान दिया है, कुछ मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हुए थे इस पर तो कि उनके कुत्तों को ये नुकसान दिया था, तो कुत्तों से थोड़ा दूर रखें आप इसको। अगर आप घर में कुत्ते हैं तो उनकी पहुँच से दूर रखें। फिलहाल मेरे यहाँ तो कुत्ते हैं नहीं, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बगल में आप एक बेल आइकॉन देखेंगे, उसे भी आप प्रेस कर देंगे। जब तक आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।